जनपद में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को गांधी जयंती समारोह के रूप में मनाया गया तथा साथ ही लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस को भी मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने ध्वजारोहण किया तथा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण एवं माल्यार्पण किया और उसके बाद गांधी व शास्त्री के जीवन व संघर्ष पर उनकी देश सेवा उनके जीवन मूल्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजय पांडे ने कहा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायक सत्याग्रह तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारतीय स्वाधीनता के ब्रह्मास्त्र के रूप में नियोजित करके राजनीतिक विचारों में क्रांति के जनक भारत की राजनीतिक सामाजिक एकता व समरसता के पुरोधा एवं महान आधुनिक भारत राष्ट्र के स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने वाले स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर हमारे लिए उत्प्रेरणा और कृतज्ञता का ज्ञापन का सुअवसर है। इस तिथि को हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों सिद्धांतों व उनके सद्विचारों के प्रति समर्पित होने का सुअवसर प्रतिवर्ष सहज ही प्राप्त होता है। इस मौके पर जिलाधिकारी के वी एन पांडे ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग को बंद करने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DM के वी एन पांडे ने कहा, और शास्त्री जी के 115वीं जन्म तिथि समारोह के अवसर पर दोनों के चित्रों ये अवसर होता है जब हम अपने देश के महान उनके आदर्शों पे चलने उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने का संकल्प लेते हैं। एक आम नागरिक की तरह अपने जीवन को व्यतीत किया, भारत को और राष्ट्रपिता के रूप में हम सब ने उनका स्मरण किया। आज भी हम राष्ट्रपिता का स्मरण करते हैं, हम सब उसे स्मरण करते हैं और एक एक पल के उनके योगदान को जो भारत के विकास और भारत की कल्याणकारी योजनाओं के लिए चलाकर इस देश को और आगे विकास के पथ पर के कारण भारत की एक अलग पहचान बनी हुई है।
पति राघव राजा राम, पति ते पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सब को सन्मति दे भगवान, पति ते पावन सीता राम, तुम्ही को कहते कृष्ण करीम, दर्शन दीजो मंदिर मस्जिद तेरो धाम, हिंदू मुस्लिम सब संतान, मंदिर मस्जिद तेरो धाम, हिंदू मुस्लिम सब संतान, सब को जन्म दिए भगवान, भारत में सब रहे समान, सब को जन्म दिए देश की शान, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, गांधी जी का मंत्र महान, हिंदू मुस्लिम एक समान, गांधी जी का मंत्र महान, हिंदू मुस्लिम एक समान, युग के करुणा धाम, प्यारे बापू कोटि प्रणाम, युग के गौरव करुणा धाम, प्यारे बापू कोटि प्रणाम, राम लाल बहादुर जी है महान, आपको बारंबार प्रणाम, रघुपति राघव राजा पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सतीत पावन सीतारायो जीवन राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई मैंने, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की
मैं भारत का सच्चा एवं जिम्मेदार नागरिक प्लास्टिक प्रदूषण से भारत भूमि को मुक्त कराने के लिए शपथ लेता हूँ कि खरीदारी करते समय अपने स्वयं के कपड़े का थैला या बैग का उपयोग करूँगा। वह खरीदारी गए सामान के लिए दुकानदार से या किसी अन्य से प्लास्टिक का बैग या थैला की मांग नहीं करूँगा। मैं खाने तथा भोजन के लिए पुनः उपयोग में लाया जा सकने वाले क्रॉकरी का की उपयोग करूंगा एवं सिंगल उपयोग के प्लास्टिक का बहिष्कार करूंगा। पानी के लिए भी प्लास्टिक की बोतल की स्थान पर पुनः उपयोग को हो सकने वाली कांच या स्टील आदि की बोतल का ही उपयोग करूंगा। अपने देश के सभी प्राकृतिक संसाधनों की जैसे नदियों तालाबों झीलों व समुद्र किसी को भी प्लास्टिक सहित अन्य कचरे आदि को नहीं फेंकने और ना ही किसी अन्य को फेंकने दूंगा। अपने समाज अपने घर विद्यालय कार्यस्थल पर किसी भी उत्सव के दौरान प्लास्टिक के बर्तनों जैसे प्लास्टिक चम्मच ग्लास आदि का बहिष्कार करूंगा। ऐसे उत्सव आदि में पुनः उपयोग की जा सकने वाली क्रॉकरी के उपयोग को बढ़ावा दूंगा। मैं यहाँ भी शपथ लेता हूँ कि मैं सप्ताह में एक दिन कम से कम 10 लोगों को प्लास्टिक प्रदूषण की जानकारी दूंगा व उनके भी सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार एवं कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने पर प्रेरित करूंगा। जय जय भारत। परमानी जिलाधिकारी महोदय, सभी एडीएम साहब, एसडीएम साहब, मेरे प्यारे बच्चों एवं सबसे अधिक जो प्रेरणा के पात्र हैं हमारे दोनों गायक में, यहाँ जो बच्चियों ने अपना गान प्रस्तुत किया और सम्मुख आपने भजन सुना और दोनों ही गायनों ने हम सभी को आत्मविभोर कर दिया। आज का जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से जो गायन हुआ है वो उसमें जो भी तत्व था आप उसको अपने मन में आत्मसात करेंगे, उसके अनुसार आप अपनी अपने कार्य करेंगे। आज दो महापुरुषों की जयंती है और आपने देखा गायन में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि महात्मा गांधी की जयंती को हम सर्वोपरि मानते हैं और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती की बात करते हैं। ये ऐसा ही होता है कि जब कोई एक वटवृक्ष होता है और उसके साये में यदि कोई दूसरा वृक्ष हो तो उसकी महत्ता कम हो जाती है, लेकिन हमारे लिए, हम सब के लिए दोनों ही महापुरुष अलग अलग विचारों में अलग अलग प्रकार से हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। महात्मा गांधी जी के केवल दो आदर्शों की मैं बात करूंगा, एक सत्य और एक अहिंसा। आप सबने पढ़ा होगा, परंतु उच्च कक्षाओं में जा करके हम देखते हैं गांधी जी ने पहले ये कहा था कि ईश्वर ही सत्य है। मैं इस बात को दोहराऊंगा, गांधी ने पहले ये कहा था कि ईश्वर ही सत्य है, परंतु बाद में ये पाया कि भारत में बहुत से लोग, विश्व में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनिश्वरवादी हैं, जो ईश्वर में अपनी आस्था नहीं रखते हैं और जिस भूमि पर हम हैं वहाँ पर दो
तीन कह सकते हैं, तीन सांस्कृतिक धाराएं बह रही हैं। एक सनातन परंपरा है जो आदि काल से चली आ रही है, बीच में आपने देखा कि गौतम बुद्ध की परंपरा है जो कहीं ना कहीं ईश्वर को लेकर के बहुत आग्रही नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो अनिश्वरवाद है, परंतु बहुत आग्रह नहीं है ईश्वर को लेकर के। दो और धाराएं हैं यहाँ पर, एक कबीरदास की, कबीरदास जी की धारा है जो मगहर से प्रवाहित होती है, और चौथी है हमारी गोरखनाथ संप्रदाय वाली धारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर चार सांस्कृतिक विरासत हैं। इसी के साथ साथ पूरे भारत को या पूरे विश्व को जो आप्लावित करती है वो महात्मा गांधी की विचारधारा है। तो प्रारंभ में उन्होंने ये बात रखी कि ईश्वर ही सत्य है, परंतु ये पाया कि इसमें कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, सत्य ही ईश्वर है, इसलिए कि सत्य अडिग है, सत्य में कहीं पर कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी विभेद नहीं है। तो आज के दिन में हम बहुत लंबी बात न रख करके केवल दो बातें हैं, सत्य है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु उसकी प्राप्ति की दिशा में प्रयास किया जा सकता है। और इसी प्रकार से अहिंसा है, अहिंसा की अलग अलग अवधारणाएं हैं। जैन धर्म की जो अहिंसा है वो उच्च कोटि की है, जहां तक प्राप्त होना एकदम ही असंभव है, परंतु गांधी की अहिंसा में कहीं ना कहीं कुछ व्यवहारवाद आ जाता है। मैं यहाँ जो अध्यापक वृंद है या अन्य हमारे जो प्रबुद्ध जन है, अपने उद्बोधनों में या जब कभी स्कूलों में जाएं तो सत्य और अहिंसा के यथार्थ को, वास्तविकता को बताने का प्रयास करें। लाल बहादुर शास्त्री जी की जो विचार है, उनका अपना पूरा जीवन ही बहुत ही सादगी पूर्ण है। 1904 में उनका जन्म हुआ, और जब से वो राजनीति के क्षेत्र में आए तब से वो राजनीतिक से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता रहे। वो एकदम, गांधी जी ने तो अपना वस्त्र त्याग कर दिया था, परंतु लाल बहादुर शास्त्री जी को आप देखेंगे कि वो हमेशा ही साधारण वेशभूषा में रहे। यहाँ तक कि जब वो भारत के प्रधानमंत्री भी हो गए तब भी उनमें कोई अहंकार नहीं था। और यह अत्यंत दुखद है कि दोनों ही महानुभाव, महात्मा गांधी भी और लाल बहादुर शास्त्री भी, असमय काल कवलित हो गए। दोनों ही अपनी स्वाभाविक मृत्यु, यद्यपि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु को लेकर के ये ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि वो स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है, लेकिन भारत का जनमानस ये मानता है कि दोनों ही, महात्मा गांधी जी की मृत्यु तो अस्वाभाविक थी, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु को भी अस्वाभाविक ही मानते हैं, परंतु दोनों के विचार आज भी पूरे वातावरण में अंशुत हैं, पूरे वातावरण में फैले हुए हैं। आज के दिन में बस एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हम सब ने प्लास्टिक को लेकर के शपथ ली है, प्लास्टिक एक बहुत बड़ी आपदा है, ये ऐसे नहीं छूटेगा, इसके लिए बड़ा प्रयास करना होगा, बहुत ही प्रयास करना होगा। तो आज के समय में माननीय जिलाधिकारी महोदय जी का निर्देश भी है कि इसको तन से, मन से और कर्म से, यहाँ तक कि आप छोटे छोटे उसमें देखेंगे प्लास्टिक के ढेर सारे उत्पाद हैं जो हमारे दैनिक जीवन में सुबह से लेकर के देर रात्रि तक हमारे उपयोग में आते हैं। प्रयास करें, शपथ लें और मन से, कर्म से और वाणी से प्लास्टिक को छोड़ने का प्रयास करें। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों महानुभावों को आप सबके साथ याद करता हूँ, और इनके विचारों को अपने मन में, अपने कर्म में, अपने वाणी के माध्यम से आगे पुष्पित पल्लवित करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रवीण कुमार पासवान शशिकांत मिश्रा, शशिकांत मिश्रा, संदीप भारते, राहुल कुमार, जगदीश ले लो, विपिन कुमार, पंखुड़ी श्रीवास्तव, सुप्रिया सिंह। आज तो 2 अक्टूबर है, 150 सालवीं जन्म दिवस हम लोग महात्मा गांधी जी का मना रहे हैं, तो सभी गोरखपुर वासियों को मेरा तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ साथ लाल बहादुर जी शास्त्री को भी आज जन्म दिवस मना रहे हैं। दोनों महापुरुष को एक प्रेरणा के स्वरूप लेते हुए हम लोग भी उन्हीं का
दिए हुए दिशा में, दिखा हुए दिशा में हम लोग को आगे बढ़ाना है। और हम आगव करने चाहता हूँ गोरखपुर जनपद को, हम लोग वन टाइम यूज़ प्लास्टिक से मुक्ति कराने के लिए आज से अभियान चलाएं। वैसे कल से अभियान हम लोग का प्रारंभ किए, शुरुआत का हम लोग जो कितने सरकारी दफ्तर है सबको नो प्लास्टिक जोन घोषित किए, कलेक्ट्रेट को घोषित किए, साथ साथ जो कितने सरकारी दफ्तर है सबको नो प्लास्टिक जोन घोषित किए। यहाँ जो सिंगल यूज़ जो पॉलीथीन बैग है और थर्माकोल है, प्लास्टिक है, थैला है, स्पून है, प्लास्टिक स्पून है, सब प्रतिबंधित कराया है। मैं आपके भी चाहता हूँ सहयोग, बिना आपको सहयोग को ये तो केवल सरकारी कार्यक्रम रह जाता है, ताकि ये जो प्लास्टिक का और पॉलीथीन का जो कितने प्रदूषण है उसी की वजह कितने नुकसान होता है सब जानते हैं। आज के कैंसर का संख्या भी बढ़ती जा रही है और जो हम लोग सफाई करने में भी बहुत दिक्कत रहती है, और साथ साथ जापानी इंसेफेलाइटिस, यही मलेरिया टेकर अनेक बीमारी ये सफाई ना होने की वजह बढ़ जाता है। मैं आपसे अपील करने चाहता हूँ, निवेदन करने चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी का हम लोग जो देने चाहते हैं वापसी में वो इसी के रूप से हम कर लें, ताकि जो हम लोग को भारत का बहुत शुद्ध और प्रशुद्ध और तो भव्य देश के रूप से भावना लाने के लिए ये जो प्लास्टिक हम लोग त्याग दे दें हमारी ज़िंदगी से, और इसका जो पहले से हम लोग पहले यूज़ करते हैं रीयूजेबल चीज़ है, रीयूजेबल जो भी आप शीशा है, रीयूजेबल जो ग्लास है, क्रोकरी है, जो भी है उसको अपनाइए, और कृपया करके प्लास्टिक का हम ज़िंदगी से बाहर कर लें। ये इससे बड़ा उपचार हम तो महात्मा गांधी जी का वापसी के रूप से हम कर ही नहीं सकते हैं। यही मैं अपील करने चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ सारी कैटेगरी का बच्चे का जो छात्रवृत्ति आया हुआ है, अल्पसंख्यक वर्ग का बच्चे हैं, अनुसूचित जाति का, जनजाति का, और उसके बाद फिर सामान्य जाति का, बीसी जाति का, सबको जो उन लोगों के खाते में पैसा पहुँचा दिए उसको टोकन के रूप से आज वितरण भी आज कलेक्ट्रेट में किए।